अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद आतिफ। हम बताएंगे कि चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त इस लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ। ये मलीर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट चलाता है और लोकेशन के हिसाब से मैं इस वक्त शाह फैसल इंटरचेंज के ऊपर मौजूद हूँ। मैं अगर आपको बैक साइड से बताऊँ तो ये सामने रास्ता कुरंगी ईपीएम कॉजवे से आ रहा है और यहाँ आके कुरंगी शाह फैसल इंटरचेंज से जाके मिलता है। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हुई है पिछले वीक से इस वीक तक और जो भी यहाँ प्रोग्रेस उस वक्त चल रही है मैं वो व्यू शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और मेरी कोशिश है ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। किसी भी किस्म की सजेशन और एडवाइस वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आप जो भी बात करें मैं उसको लाजमी फुलफिल करूँ। आए और वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इस वक्त जिस लोकेशन में मौजूद हूँ ये शाह फैसल इंटरचेंज कहलाती है क्योंकि मलीर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये शाह फैसल कॉलोनी और कुरंगी को मिलाने वाले ब्रिज के पास तामीर किया जा रहा है। इस इंटरचेंज के मुताल्लिक मैं पहले भी आप लोगों को काफ़ी अपडेट कर चुका हूँ। आज मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर होने वाली जो भी प्रोग्रेस है और जो डेवलपमेंट हो चुकी है पिछले वीक से इस वीक तक वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल से यहाँ बताऊंगा और उसकी अपडेट करूंगा। यहाँ पे टीम मौजूद है, स्कैफ फोल्डिंग का काम फिलहाल यहाँ चल रहा है और अगर मैं बात करूँ शटरिंग का काम भी यहाँ चल रहा है, स्टील बाइंडिंग का काम भी यहाँ चल रहा है। ये सब यहाँ पर टीम काम करते हुए मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ये इस वक्त मैं आपको सराउंडिंग के व्यूज दिखा दूंगा। सामने जो ब्रिज वापस जा रहा है ये शाह फैसल कॉलोनी की तरफ को जा रहा है। अगर मैं आपको इसके ऑपोजिट व्यूज दिखाऊं सामने ब्रिज वापस कुरंगी की तरफ को जा रहा है। लास्ट जब मैं आया तो यहाँ पर बीम इंस्टॉल कर दिए गए थे। दूसरा जो मुझे अभी प्रोग्रेस नज़र आई है इस एरिए को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। इस वक्त यहाँ मशीनरी काम कर रही है, इस एरिए को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। यहाँ पे ये तमाम बीम जो ऊपर आके रखे गए हैं ये तमाम बीम्स यहाँ पे रखे गए थे। जैसे जैसे बीम ये ऊपर इंस्टॉल कर दिए गए हैं ये जगह पूरी खाली हो गई है। इस जगह को खाली करने का मकसद जो मेरे नए व्यूअर्स हैं देखने वाले मैं दोबारा उनको क्लियर कर दूँ कि ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है। इस इंटरचेंज में ये रास्ता वापस ऊपर चढ़ने के लिए बनाया जा रहा है। ये कॉलम्स और पाइल कैप आपको ये कॉलम्स कैप नज़र आ रहे होंगे आपको। इसी तरह ये सराउंडिंग में यहाँ से ये ऊपर चढ़ते हुए रास्ता जाएगा और ऊपर आके मलीर एक्सप्रेसवे के ऊपर जाके ये टच होगा। ये पूरा राउंड शेप बनेगा यहाँ पर और ये इलाका बिल्कुल एरिया बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। मैं दूसरी तरफ भी चलता हूँ। ये बीच में कॉलम टू कॉलम टाई करने का काम लास्ट टाइम चल रहा था, शटरिंग लगाई जा रही थी। ये अगर मैं आपको दिखाऊं ये शटरिंग एक लगी हुई है और इससे पहले उसकी भराई कर दी जा चुकी है। ये भी शटरिंग यहाँ लगी हुई है, इसकी भराई अभी नहीं हुई है।
ये दूसरी तरफ के व्यूज हैं। तो लास्ट मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्रिज वापस जा रहा है ये करंगी को जाके मिलेगा, और दूसरा मैंने आपको इस तरह पहले ही बताया था कि ये राउंड शेप में कॉलम्स और उसके ऊपर कैप्स बनाए गए हैं। इनके ऊपर ये भी सारा इंटरचेंज पार्ट का हिस्सा है, यहाँ से गाड़ियाँ उतर के वापस इस फ्लाईओवर के साथ टच होंगी। ये यहाँ की अपडेट है, यहाँ की प्रोग्रेस है, टीम यहाँ फिलहाल काम कर रही है। मैं अभी दूसरी तरफ चलूँगा और अब आपको जो रास्ता वापस कायदाबाद इंटरचेंज की तरफ जा रहा है, मैं वहाँ खड़े होकर उस तरफ के व्यू भी शूट करूँगा। इस वक्त मैं दूसरे पार्ट के ऊपर आके खड़ा हुआ। ये वो लोकेशन है जो शाह फैसल इंटरचेंज से रास्ता वापस कायदाबाद इंटरचेंज की तरफ को जा रहा है। यहाँ पे जो प्रोग्रेस लास्ट टाइम थी और जो अभी यहाँ पे इस वक्त जो डेवलपमेंट हो गई है, इस पार्ट की भराई हो चुकी है, इस पार्ट की भी भराई हो चुकी है, इससे नेक्स्ट पार्ट जो है तीसरा उसकी भराई हो चुकी है। चौथे पार्ट के ऊपर शटरिंग लगी हुई है, स्टेप फोल्डिंग का काम इस वक्त वहाँ चल रहा है, टीम वहाँ पर मौजूद है, और जिस हिसाब से काम चल रहा है मेरे हिसाब से ये कल इसकी भी इंशाल्लाह भराई हो जाएगी। ये चारों पार्ट इंशाल्लाह कल शाम तक उम्मीद है कम्प्लीट हो जाएंगे। तीन कम्प्लीट हुए हैं, चौथे पर काम चल रहा है, टीम यहाँ पर मौजूद इस वक्त काम यहाँ कर रही है, फोल्डिंग और शटरिंग का काम यहाँ चल रहा है। करीब से सारे व्यूज दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं भराई होने के बाद ये इस कंडीशन में चीज़ आती है, इस फेस पे निकलती है, और जब तक इसके ऊपर काम हो रहा होता है ये शटरिंग और इसका फोल्डिंग लगाने के बाद ये इस पोजीशन में होती है। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। मैं इस वक्त इन बीम्स के नीचे आके खड़ा हुआ हूँ। लास्ट मैंने आपको दो बीम की इंस्टॉलेशन दिखाई थी, दो बीम यहाँ के और दो बीम दूसरी तरफ के थे। इनकी इंस्टॉलेशन किस तरह होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, दो क्रेनें यहाँ पे लगी हुई थी और इनको उठा के लगाने का काम कर रही थी। मैं इस वक्त जिस साइट पर मौजूद हूँ, तकरीबन कोई 30 फुट के करीब हाइट होगी, उस लेवल से अगर मैं बात करूं ज़मीन जो ईजीएल लेवल जिनका नेचुरल लेवल है, इस लेवल जिस पे मैं अभी मौजूद हूं, ये तकरीबन 30 फुट हाइट है। ये तमाम बैकफिल करा गया है, इसको मिट्टी को भरा गया है और इस लेवल पे इसको लेकर आए। तमाम कॉलम्स इस हाइट तक लाके भरे गए और उसके ऊपर ये बीम चलाए गए। सबसे पहले जब मैं वीडियो शूट कर रहा था बिल्कुल सामने पोजीशन पे मैं मौजूद था, और अभी मैं यहाँ आके खड़ा हूँ। फिर यहाँ की आपको जो भी डेवलपमेंट हुई है लास्ट वीक में वो मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे लास्ट टाइम दो गार्डर कम थे, दो ये बीम्स कम रखे गए थे जो कि अभी कंप्लीट कर दिए गए। जो सामने सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पर अभी तक ये बीम नहीं रखे गए। कोशिश करूंगा नीचे से भी कुछ व्यूज़ शूट करूं और आपको दिखाऊं, सराउंडिंग के भी व्यूज़ आपको दिखा दूं दोबारा। ये यहाँ पे सराउंडिंग के व्यूज़, उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी।
ये तमाम स्कैफोल्डिंग लगी हुई है। अगर मैं आपको दूसरी तरफ की भी सारी पोजीशन दिखाऊं, क्योंकि ये स्कैफोल्डिंग लगाने के बाद अब इसकी छत की शटरिंग लगाने का काम चलेगा, और ये डक स्लेब है जिसको कहा जाता है, भराई की जाएगी। जो लास्ट टाइम डक स्लेब मैंने आपको दिखाई थी, करंगी EBM कॉजिब है, ये तकरीबन उस मरेले की तरफ को ये जा रही है। स्कैफोल्डिंग तकरीबन लगा दी गई है, अब इसके ऊपर इसकी शटरिंग और उसके बाद स्टील बाइंडिंग और फिर इसके बाद इसकी भराई का काम किया जाएगा। ये आपके सामने यहाँ की प्रोग्रेस। शुक्रिया। ये मैं कुछ व्यूज नीचे से शूट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम इन बीम्स के बारे में पूछा गया था कि यहाँ पे बीम्स की तादाद ज़्यादा है, और अगर मैं पीछे की तरफ आता हूँ तो यहाँ कुछ क्वांटिटी कम है। तो ये जितने बीम्स यहाँ लगा दिए गए हैं, यही स्पेस यहाँ मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, इस वजह से यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा बढ़ाया गया है ताकि टर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। ये स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बीम यहाँ पे बढ़ाए हैं, लास्ट आप देखें दो हैं, उसके बाद फिर मज़ीद दो हैं। तो ये क्योंकि टर्निंग पॉइंट है, इस वजह से यहाँ पर इनको एक्सटेंड किया गया है। मैं थोड़ा दूसरी तरफ को भी चलूँगा और वहाँ से भी कुछ व्यूज शूट करूँगा। इसी तरह यहाँ पर भी स्पेस को कम किया गया है स्टेप बाय स्टेप। और दूसरा ये जो पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट यहाँ से वापस चढ़ने के लिए है, जिन लोगों को मलीर एक्सप्रेसवे पे चढ़ना है वो इस रास्ते से, इस तरह जो मेरे उंगली का इशारा, यहाँ पे ये मज़ीद फाउंडेशंस तैयार होंगी और ये ऊपर चढ़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर काम हो रहा है।